शिरडी के साईं भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बाबा के दर से कोई सवाल ही नहीं लौटेगा। अब बाबा के हर भक्त को मिलेगा मौका दर्शन का। सबकी भरेगी झोली क्योंकि अब मिलेगा बाबा से अपॉइंटमेंट। बाबा ने अब फैसला किया है कि उनके दर से अब कोई भी सवाली खाली हाथ नहीं लौटेगा। एक फकीर की जिंदगी बसर करने वाले शिरडी के साईं बाबा को यकीनन अच्छा नहीं लगता होगा कि कोई उनसे मिलने की तमन्ना लेकर देश परदेश से आए और वो मायूस लौटे। जाहिर है इसी बात का ख्याल रखते हुए शिरडी के साईं ट्रस्ट ने ये फैसला किया है कि अब भक्तों को बाबा से मिलने का अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं जब आप शिरडी में साईं बाबा के दर्शन अपने मन माफिक वक्त पर कर पाएंगे। बाबा से मिलने के लिए भक्तों के ये अपॉइंटमेंट कुछ वक्त के लिए दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा टाइम दर्शन। मेरे साईं देवा, तेरे सब नाम लेवा। भक्तों के लिए टाइम दर्शन की सुविधा पर श्री साईं बाबा ट्रस्ट बेहद ही संजीदगी से काम कर रहा है। टाइम दर्शन में श्रद्धालुओं के लिए साईं बाबा के दर्शन का वक्त मुकर्रर होगा। हालांकि इसके लिए उन्हें पहले ही अपनी सहूलियत और दर्शन के लिए टाइम की उपलब्धता के हिसाब से बुकिंग करानी होगी। बहुत अच्छा हो गया है कि अपॉइंटमेंट का जो नया समथिंग लाइक स्कीम शुरू किया है, तो इसकी वजह से हम जब अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो हम वहाँ पे डायरेक्ट जाके दर्शन कर सकते हैं। तो इसके वजह से हमें काफी टाइम बचता है कि वहाँ पे हम कोई और चीज कर सके या इसी दौरान हम कहीं घूमने जा सके। ये बहुत अच्छी सर्विस है जिससे लोगों को परेशानी नहीं होगी आने वाले टाइम में, और हम और भी सारे काम कर सकते हैं। बाबा के दर्शन की लाइन नहीं लगानी पड़ेगी और टाइम की बचत है। बाबा के भक्तों को अपॉइंटमेंट की सुविधा मुहैया कराने और इस दौरान उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ट्रस्ट ने सीआईएसएफ को भी प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल साई मंदिर की सुरक्षा ट्रस्ट के सुरक्षाकर्मी और अहमदनगर ग्रामीण पुलिस के जवान करते हैं। दर्शन के लिए अपॉइंटमेंट या टाइम स्लॉट की बुकिंग की ये सुविधा आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर और जम्मू के वैष्णो देवी में पहले से उपलब्ध है, और बताया जा रहा है कि इसी से प्रभावित होकर साईं बाबा ट्रस्ट ने ये सुविधा शिरडी में शुरू करने का फैसला किया है। तिरुपति बालाजी और वैष्णो देवी में शायद इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके बारे में जो प्रपोजल आया था उसका प्रेजेंटेशन हुआ है। हमारे संस्थान के अधिकारी वहां जाएंगे और उसका मिले इम्प्लीमेंटेशन इधर संस्थान में कैसा होगा इसके बारे में सुझाव देंगे। उस सुझाव आने के बाद हम हमारी जो एडॉक कमिटी के पास वो लेके जाएंगे और उसके आगे की कार्यवाही वो कमिटी की मंजूरी के बाद होगी। साईं बाबा ट्रस्ट के अधिकारियों के मुताबिक कुंभ मेला के पूरा होने के बाद ट्रस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारियों का दल टाइम दर्शन की व्यवस्था के अध्ययन के लिए वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी मंदिर भेजा जाएगा, जहां वो टाइम दर्शन प्रणाली की बारीकियों को समझेंगे। इस दौरान टाइम दर्शन पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ट्रस्ट की 3 सदस्यीय समिति को सौंपा जाएगा, और अगर इस रिपोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस व्यवस्था पर काम शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके बाद इन पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी कि इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए। अब तक आपने अपॉइंटमेंट लेकर देश के प्रधानमंत्री, किसी कंपनी के बड़े सीईओ या फिर किसी बड़े पुलिस अधिकारी से मुलाकात की होगी, लेकिन अब अपॉइंटमेंट लेकर होंगे शिरडी के साईं बाबा के दर्शन।
अब सवाल ये कि साईं बाबा के भक्तों को उनका अपॉइंटमेंट मिलेगा कैसे और कैसे वो करेंगे उनका दर्शन, ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन ट्रस्ट जल्द ही इस बारे में सारी डिटेल के सामने आने की कोशिशों में लगा हुआ है, जिसमें टाइम स्लॉट की बुकिंग और बुकिंग की रेट लिस्ट भी होगी। शिरडी से हरीश डिमोटे के साथ मुंबई से विनोद जगताले, न्यूज 24। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर साईं बाबा से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत आखिर पड़ी तो क्यों? तो इसका जवाब बेहद सीधा सा है। मौजूदा वक्त में भले साईं बाबा की भक्ति पर कितने भी सवाल उठे हों, लेकिन सच तो ये है कि श्रद्धा और सबूरी का पैगाम देने वाले बाबा पर लोगों की आस्था में उतना ही इजाफा हुआ है। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा के दर्शन के लिए साईं बाबा ट्रस्ट ने अपॉइंटमेंट स्कीम क्यों शुरू की। मौजूदा वक्त में बात करें तो बाबा के दर पर सवालियों की तादाद रोजाना के हिसाब से 60,000 है, जबकि वीकेंड में यह आंकड़ा 1,00,000 तक पहुंच जाता है। खास मौकों की बात करें तो गुरु पूर्णिमा और दशहरे पर तादाद करीब 3,00,000 के आसपास पहुंच जाती है। जाहिर है कि शिरडी के इस मंदिर में इतनी तादाद में सभी भक्तों को दर्शन का मौका मिले ये जरूरी नहीं, लिहाजा ऐसे किसी इंतजाम की जरूरत थी कि बाबा के दर से कोई सवाली खाली ना लौटे, लिहाजा टाइम दर्शन की व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया गया। बाबा के भक्तों को सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना तब करना पड़ता है जब कोई वीवीआईपी दर्शन के लिए शिरडी पहुंचे। जाहिर है वीवीआईपी लोगों के लिए इंतजाम करने में आम और खास दोनों तरह के भक्तों को मुश्किलें होती हैं, और ऐसे में बिना दर्शन के लौटना देश और विदेश से आने वाले भक्तों के लिए बेहद मायूस करने वाला होता है। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए रेट लिस्ट को तैयार करने का काम भी ट्रस्ट तेजी से कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अपॉइंटमेंट के लिए फीस 100 से लेकर 15,000 तक सहूलियत के हिसाब से तय की जा सकती है। हालांकि इस बारे में ट्रस्ट की तरफ से कोई संकेत नहीं दिया गया, इसलिए अपॉइंटमेंट की फीस में फर्क हो सकता है। सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप श्री साईं बाबा के मिलने के लिए हमें लाइन लगने की दरकार नहीं। पहले तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइनें होती थी और वहाँ पर ही तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटे हमारे लाइन में ही बीत जाते थे। अब अगर अपॉइंटमेंट लेके ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। जिस हिसाब से कि अभी नया नियम चालू हुआ कि बाबा के दर्शन के लिए जो हम लंबी कतार लगाओ, या जो बूढ़े लोग हैं या कमजोर लोग हैं वो बहुत ज्यादा लाइन में खड़े करके वो लाइन में खड़े हमको दर्शन मिल नहीं पाते, अब तकलीफ होती थी उनको। जो नियम आपने जो बनाया है कि अपॉइंटमेंट लेकर के आप जो है कि मात्र आधा 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर आप जो है कि बाबा के दर्शन कर सकते, तो काफी अच्छा नियम है सर। ओम साई नमो नमः। ऐसा नहीं कि शिरडी में बाबा के खास दर्शन के लिए ये कोई पहली व्यवस्था की जा रही है। इससे पहले भी साईं बाबा के वीआईपी दर्शन के लिए व्यवस्था की गई, जो इसी साल अप्रैल के महीने से शुरू हुई, जिसके तहत साईं बाबा के दर्शन के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, बस 100 रुपए की रसीद कटवाकर कोई भी भक्त वीआईपी दर्शन कर सकता है। शिरडी में बढ़ती भक्तों की भीड़ के चलते ही ट्रस्ट ने टाइम दर्शन से पहले वीआईपी दर्शन की व्यवस्था शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी दर्शन की समस्या का माकूल समाधान नहीं निकल पाया। हालांकि पहले हफ्ते में 2 दिन मान्य रहने वाली ये सुविधा अब सप्ताह के 7 दिन कर दी गई है। आम दिनों में अगर आपको शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने हैं तो 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, वही सार्वजनिक छुट्टियों और त्योहारों के दिन अगर आपको दर्शन करने हैं तो 4 घंटे का समय लगता है। ऊपर से गर्मी और अन्य दूसरी परेशानियां भी भक्तों को उठानी पड़ती है। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। साईं बाबा ट्रस्ट का मानना है कि दर्शन के लिए नई नई व्यवस्था पैसा कमाने के मकसद से नहीं बल्कि भक्तों की सुविधा के लिए की जा रही है, ताकि बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। भक्तों की मांग थी कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए भी अलग लाइन की व्यवस्था हो।
आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसमें सिफारिश के आधार पर 4 लाख से ज्यादा लोगों ने वीआईपी दर्शन किए। अब तक सिर्फ शनिवार और रविवार के दिन वीआईपी दर्शन के लिए 1 रुपया प्रति भक्त लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया गया है। ये आंकड़े 2014 के, जब पूरे साल कुछ हिंदू संगठनों ने साईं बाबा की भक्ति पर सवाल उठाए, लेकिन जितने आरोप बाबा पर लगते जा रहे हैं उतने ही उनके भक्त बढ़ते जा रहे हैं। भक्तों की इसी बढ़ती तादाद को देखते हुए साईं बाबा ट्रस्ट को नई नई व्यवस्था करनी पड़ रही है। शिरडी से हरीश डिमोटे के साथ विनोद जगदाले, मुंबई न्यूज 24। भक्तों की इसी भीड़ को देखते हुए साईं बाबा ट्रस्ट ने अभी कुछ दिनों पहले ही मंदिर की टाइमिंग में भी फेरबदल किया है। आरती के टाइम को सुबह में 1 घंटे पहले और रात में घंटे बाद करने का फैसला लिया है। बाबा के दर्शन की मुराद में हर रोज हजारों की तादाद में भक्त शिरडी का रुख करते हैं। यही वजह है कि साईं मंदिर में सुबह पहली कांकड़ आरती 4:30 बजे ही शुरू हो जाती है और रात की शेज आरती 10:30 बजे शुरू होती थी, लेकिन अब साईं भक्तों की तादाद को देखते हुए इस टाइमिंग में भी तब्दीली की जा चुकी है। सुबह 4:30 बजे से होने वाली कांकड़ आरती अब 3:30 मिनट पर शुरू होती है और 10:30 बजे होने वाली शेज आरती का टाइम बदलकर 11:30 बजे कर दिया गया है। साईं भक्तों के लिए ये व्यवस्था इसी साल अगस्त के महीने से शुरू की गई है। भक्तों की गुजारिश पर यह फैसला लिया गया था। दरअसल देश विदेश से आने वाले साईं भक्तों को कभी कभी साईं के दर्शन में दिक्कतें होती थी। उनकी मांग थी कि साईं मंदिर की टाइमिंग में तब्दीली की जाए ताकि उन्हें बाबा के दर्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। साईं मंदिर ट्रस्ट ने देश विदेश से साईं के दरबार में आने वाले भक्तों को ज्यादा सहूलियत देने के लिए नासिक में चल रहे कुंभ की वजह से शिरडी आने वाले भक्तों की तादाद काफी बढ़ गई है, लिहाजा मंदिर को 2 घंटे तक खोलने का राहत देने वाला फैसला किया। मंदिर प्रशासन के इस फैसले से दूर दराज से आने वाले साईं भक्तों में खुशी का माहौल है, क्योंकि अब भक्तों को साईं के दर्शन के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। हालांकि मंदिर प्रशासन के इस फैसले से गांव वालों को